मेरे सभी प्रिय दर्शकों और सब्सक्राइबर्स, आज बहुत सारे लोगों ने शंका उठाई है। कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं कि आखिर महाशिवरात्रि कब है, 4 तारीख को है या 5 तारीख को, कब महाशिवरात्रि को मनाना चाहिए, यह सोमवार 4 मार्च को है या मंगलवार 5 मार्च को है। ऐसे बहुत सारे प्रश्नों के जवाब मैं आपको देने के लिए आया हूं। देखिए, महाशिवरात्रि सोमवार 4 मार्च को ही है, क्योंकि शिवरात्रि चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है और 4 मार्च को दोपहर 4:28:12 पर चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी, जो अगले दिन यानी 5 तारीख की शाम को 7 बजे तक लगभग रहेगी। शिवरात्रि क्योंकि निशित काल यानी रात्रि में मनाई जाने वाली है, अतः 4 को ही मनाई जाएगी। 4 तारीख को इस बार अद्भुत संयोग है। पहला तो यह कि शिवरात्रि का प्रिय पर्व सोमवार यानी शिवजी के वार के दिन है। दूसरा, सोमवार का स्वामी चंद्रमा है, अतः बनता है शिव योग। शिव योग कल्याणकर्ता, सफलता देने वाला मनाया जाता है और इस दिन श्रवण नक्षत्र भी है, जो साधकों के लिए एक वरदान वाला नक्षत्र है। देवों के देव महादेव को हर हर महादेव कहा जाता है। हर पीड़ा, हर कष्ट, हर संकट का नाश हर हर महादेव करते हैं, इसीलिए उन्हें हर हर महादेव, जय जय महादेव, महाकाल कहा जाता है। महाशिवरात्रि पर आपको इस बार विशेष पूजन करना चाहिए, पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए। साथ ही मैं महाशिवरात्रि के विभिन्न प्रकार के एपिसोड, जो आपके लिए जानना समझना बेहद जरूरी है, वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, जिसे आप यूट्यूब की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। दूसरी बात, कोशिश करना चाहिए कि महाशिवरात्रि की रात्रि को ध्यान लगाना चाहिए, लगातार सहस्त्र घट जलाभिषेक या पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए, आंख धतूरा अर्पित करना चाहिए, अपनी अपने परिवार की सुरक्षा के लिए, अकाल मृत्यु के भय से मुक्ति के लिए, दीर्घ आयु और पूर्ण आयु की प्राप्ति और सार्थक जीवन को व्यतीत करने की प्रार्थना हमें भोलेनाथ से करनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आपकी शंका दूर हुई होगी कि 4 की नहीं, 5 को ही बनानी चाहिए, 5 को नहीं बनानी चाहिए। इसलिए आप सभी को इससे अगला जो मेरा कार्यक्रम होगा कि आप सभी अपनी राशि के अनुसार कौन सा मंत्र पढ़ें, किस प्रकार का पूजन करें, यह आपको महाशिवरात्रि पर कैसे प्रयोग करना है, यह पूरी जानकारी मैं अगले एपिसोड में दूंगा। आप सभी एक बार जरूर बोलें हर हर महादेव, हर हर महादेव। नमस्कार। मेरे सभी प्रिय चाहने वालों, दर्शकों, मैं जब भी इन फूलों को देखता हूँ तब एक एहसास होता है कि फूल तो टहनी के सबसे ऊपर वाले भाग में उगे हैं, लेकिन फूल बनना जड़ से शुरू हुआ था, क्योंकि इसे खाद और पोषक तत्व जमीन से मिलते हैं। क्यों नहीं हम भी एक खुशनुमा जीवन को जिए, हमारे शरीर मन मस्तिष्क के हर रोम में ऐसा फूल उगे। इसमें आपके जीवन में कांटे कौन बो रहा है, यानी मैं बताऊंगा कि आपकी कुंडली के 9 ग्रहों का हाल, कि कौन से ग्रह आपके विरुद्ध हैं और कौन से आपके पक्ष में हैं। इसके लिए मैं आ रहा हूं आपके शहर आपसे मिलने के लिए। मैं अपना फरवरी और मार्च महीने का स्केड्यूल दे रहा हूं। अगर आप इन शहरों और देशों में रहते हैं और मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। 23 फरवरी को मैं दिल्ली रहूंगा, 16 फरवरी को मैं नेपाल काठमांडू रहूंगा और 24 फरवरी को चंडीगढ़, 28 फरवरी और 1 मार्च को मैं दुबई में रहूंगा। मार्च की बात करें तो 2 और 3 मार्च को मैं देहरादून में रहूंगा, 8 और 9 मार्च को सिंगापुर में रहूंगा, 10 और 11 मार्च को मैं पर्थ ऑस्ट्रेलिया में रहूंगा, 16 मार्च को नागपुर, 17 मार्च को नासिक और 18 मार्च को मैं मुंबई में रहूंगा, 23 मार्च को मैं सूरत में, 24 मार्च को बड़ौदा, 25 मार्च को मैं अहमदाबाद रहूंगा और फिर 29 मार्च को दिल्ली, 30 मार्च को लखनऊ और 31 मार्च को मैं पटना में रहूंगा। निश्चित रूप से हम अपनी जिंदगी में जो कुछ भी भोग रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमारे ग्रहों का खेल है, हमारे संचित कर्म है, प्रारब्ध है, हमारे माता पिता का आशीर्वाद है, हमारे कर्म है। लेकिन एक परामर्श, आपकी और मेरी मुलाकात निश्चित रूप से आपकी किसी समस्या का समाधान जरूर कर सकती है। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, मिलते हैं बहुत जल्द। नमस्कार।
लोग कहते हैं कि खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाएंगे, जबकि हमारे गुरुदेव सुरेश श्रीमाली जी कहते हैं भाग्य लेकर आए हैं और कर्म लेकर जाएंगे। जी हां, यह बात एकदम सही है। यदि आप चाहते हैं अपने कर्मों द्वारा भाग्य में बदलाव और जानना चाहते हैं अपने जीवन का भविष्य, साथ ही अपने जीवन से जुड़ी हुई हर समस्या जैसे बच्चों की एजुकेशन, उनके करियर और विवाह, आपका जॉब या बिजनेस, ट्रैवलिंग, फैमिली लाइफ या फिर पर्सनल लाइफ से जुड़े हुए सवाल आप हमसे पूछ सकते हैं। गुरुदेव न केवल उन सवालों का जवाब देंगे बल्कि आपकी समस्याओं को दूर करने के उपाय और बेहतर जीवन जीने के कुछ सुझाव भी देंगे। इसके लिए आप गुरुदेव से पर्सनली मिल सकते हैं, टेलीफोन अथवा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा भी सीधे सवाल पूछ सकते हैं। आप चाहे तो अपनी या परिवार के सदस्यों की संपूर्ण जन्म कुंडली का विश्लेषण भी करवा सकते हैं। ये जन्म कुंडली विश्लेषण आप टेलीविजन के माध्यम से या फिर कंप्लीट फाइल भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको हमारी वेबसाइट www.grahonkakhel.co.in पर एस्ट्रोलॉजिकल सर्विसेज पर क्लिक करना होगा या सीधे हमारे इंडिया में आध्यात्मिक साधना सिद्धि केंद्र के इस नंबर पर जो है 0091982902625 पर कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। एड्रेस सुरेश श्रीमाली, हाई कोर्ट कॉलोनी, जोधपुर, इंडिया। कॉन्टैक्ट नंबर है 0091982902625। ईमेल एड्रेस है info@grahonkakhel.co.in।